वर्ल्ड कप 2023 का 13वां मुकाबला 15 अक्टूबर को इंग्लैंड और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बीच स्थित दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था। इस मुकाबले में अफगानिस्तान के वॉरियर्स ने सॉलिड परफॉर्मेंस करते हुए टीम को 69 रनों से करारी शिकस्त दी। इसके साथ ही इंग्लैंड के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इंग्लैंड वर्ल्ड कप के इतिहास में सभी 11 टेस्ट खेलने वाले देशों के खिलाफ हारने वाली पहली टीम बन गई है। इंग्लैंड टीम को वर्ल्ड कप के पहले सीजन में यानी 1975 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद उन्हें 1979 के फाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ हार का मुंह देखना पड़ा। 1983 और 1987 में भारत और पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा और यही नहीं 1983 में उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उलटफेर का सामना करना पड़ा था। वर्ल्ड कप 2011 में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। इसी टूर्नामेंट में आयरलैंड ने भी उन्हें मात दी जब उन्हें जारी टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के खिलाफ भी मायूसी हाथ लगी है। इसके साथ ही इंग्लिश टीम वर्ल्ड कप के इतिहास में सभी टेस्ट टीमों से हारने वाली पहली टीम बन गई है। आदिल राशिद ने हार को अधिक इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए कहा, यह क्रिकेट का हिस्सा है, आप कुछ जीतते हैं और कुछ हारते हैं, आप हर खेल जीत नहीं सकते और आज हम सिर्फ एक खेल हार गए हैं, हमने बल्ले या गेंद से अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट मैदान में नहीं खेला। राशिद ने कहा, हमें अभी भी कॉन्फिडेंट है, हम अभी भी अपने खिलाड़ियों का सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी माइंडसेट अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन जब तक उन्हें इस वीक के अंत में मुंबई में सुधार के सिग्नल नहीं दिखेंगे, इंग्लैंड के सपोर्टर्स की उन भावनाओं को साझा करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज इंग्लैंड के नजरिए से कुछ खास नहीं है। इंग्लैंड टीम को अपने शुरुआती 3 मुकाबलों में 1 जीत और 2 हार का सामना करना पड़ा है। हाल यह है कि वह 2 अंकों के साथ -0.084 के साथ 5वें पायदान पर काबिज है। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा के न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।